गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 5th एंड दिस इज प्रेजेंट बाय मिस्टर राजकुमार। सो दिस इज यूनिट नेम इज कोरोजन। तो व्हाट वी विल डिस्कस इन द यूनिट, व्हाट इज द कोरोजन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरोजन एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द टू रिमूव द various type of corrosion and how can is prevented by the corrosion and different items and etc. So first of all is introduction. A number of equipment have been used in the manufacturing of pharmaceutical bulk drug. कहने का मतलब कि एक नंबर में कई सारी ऐसी आइटम्स होते हैं, कई सारे बल्क ड्रग बनाने के लिए बहुत सारी हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है, या फिर हमें कह सकते हैं कि एक मेटल की मशीनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें हम लाइक देन बल्क ड्रग, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ईसीटी, ए वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल आर यूज इन मेकिंग नंबर ऑफ इक्विपमेंट। इन सारी वेराइटियों को बनाने के लिए हमें एक मटेरियल की, इक्विपमेंट की और एक बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स। एट द डाउन ऑफ द न्यू मिलेनियम द फार्मास्यूटिकल एंड बायो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सी आर सीकिंग अ वे टू लीव बिहाइंड द करंटली यूज ट्रबलेंस मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टू एक्सीलरेटेड कन्वर्जन currently used turbulence materials of construction and to accelerated it's mean कि हमें जो भी हम pharmaceutical companies में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें हमें requirement होती है कि हम bulk drug बना रहे हैं तो किस equipment से बना रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई corrosion तो नहीं है, या अगर corrosion है तो हम उसको prevent करना चाहते हैं, क्योंकि corrosion क्या है, हमारी formulation को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें सब इसको अपनी फार्मेसी में पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोरोजन? टू स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन फार्मास्यूटिकल प्लांट। तो जो हमारी मटेरियल का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस टाइप की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस टाइप की है, हम किस से वो रिएक्शन करेगी, किस से एक्शन करेगा, उस टाइप का जो मटेरियल है उसका क्या प्रॉपर्टी होगी, हमें इसके अंदर पढ़ना है। टू स्टडी ए न्यू मटेरियल ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मोर प्रोडक्टिव फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। इट्स मीन कि जो न्यू मटेरियल है उसके बारे में हमें नॉलेज रखनी चाहिए कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या कोई जिस मटेरियल का हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ क्या है और वो कितने दिन में उसको कोरोजन हो सकता है या हम कोरोजन लग सकता है और हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड कोरोजन इट्स मैकेनिज्म एंड टाइप एंड नो अबाउट द मेथड ऑफ कोरोजन। इसके बाद हमें कितने टाइप का कोरोजन होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस वे में वो कोरोजन हमारे पार्टिकल्स को लग सकता है या इक्विपमेंट को हो लग सकता है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे टू कंपेयर द मटेरियल साइंस टू करंट मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास विद दैट द इनक्रीजली एडेप्टेड मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और हम कंपेरिजन करेंगे कि किस टाइप का मटेरियल और किस टाइप के हमारे केमिकल से रिएक्ट करता है और कितने टाइम में करता है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे टू कंपेयर बायोकेमिकल एंड माइक्रोलॉजी इंपैक्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट कंस्ट्रक्शन। और जो हम प्लांट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम वो मशीनरी बनाने जा रहे हैं प्लांट के लिए, और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करने वाले हैं और जिस इक्विपमेंट जिस टाइप का मटेरियल आइटम मेटल यूज़ करने जा रहे हैं उसका रिएक्शन के साथ कंपेरियन पढ़ेंगे इसके साथ। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मटेरियल सिलेक्शन फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कि कौन क्या हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हमारे मटेरियल को करते हैं। तो दीज आर फॉलोइंग टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग
There are several variables that influence that the decision is selling the best material is construction of any plant. कि हम ऐसा कोई material use करें जो हमारे किसी भी metal को instrument को या machinery को या हमारी formulation को किस से हमारा वो ख़राब हो सकता है, वो factor factor हम पढ़ेंगे. इसके बाद हम जानेंगे कि हाँ हम उससे उसको prevent कर सकते हैं हमारे material को या metal को. इट सम केस रूट कॉज ए मेटल कोरोजन सिलेक्शन मेटेरियल दैट आर इनहर्टली इनकम्पेटेबल विद द एनवायरमेंट. दीज आर फॉलोइंग टाइप लाइक केमिकल्स फैक्टर. तो एक आपके केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन को फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं. वेयर ए केमिकल सबस्टेंस इज ए प्लेस इन ए कंटेनर और इक्विपमेंट द केमिकल इज एक्सपोज टू द मेटेरियल और कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेनर और इक्विपमेंट. और ये केमिकल टाइप के होते हैं जो हमें हमारी एक रिएक्शन के साथ केमिकल की रिएक्शन के साथ वो निकल के उसको कोरोजन में लगा लेते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल किस टाइप के होते हैं. कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट. केमिकल क्या होते हैं? कंटामिनेटेड. किसी भी अगर किसी भी हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर और किसी भी या हमारे कोई मशीनरी अगर उसके अंदर कोई भी केमिकल रिमेनिंग रह गया है तो वो कोई भी नया पार्ट प्रोडक्ट बनाने जाए तो वो उसको कंटामिनेटेड कर देगा या उसके साथ रिएक्शन कर देगा और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. तो हम नेक्स्ट चलते हैं कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट. आयरन कंटामिनेशन मे बी चेंज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट लाइक जिलेटिन कैप्सूल सेल कैटलाइज सम रिएक्शन दैट मे इन्हेंस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो इट्स मीन जो हमारा कॉन्टामिनेटर्स होता है जो केमिकल कॉन्टामिनेट्स करते हैं उस केस में होता क्या है कि मेटल जो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है ना. नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल इनर्टनेस. अजेम इज रिएक्शन एनवायरमेंट दैट्स टू डिजोल्व मेटल फॉर अनलिमिटेड अनलिमिटेड मिड स्टील और अलाउ रिएक्टर एक्सक्रेटेबल मेटल सच एज क्लोरामाइन निकल मेलवेंट एंड कॉपर कैन लीच इन टू एंड. तो इस टाइप के जो कई टाइप के जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे कॉन्टामिनेशन करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर. तो दीज आर ए टू फैक्टर ऑफ केमिकल्स. नेक्स्ट वन इज ए केमिकल फैक्टर. तो दीज आर वेरियस टाइप. फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ. द मेटेरियल शुड हैव ए सफिशियंट फिजिकल स्ट्रेंथ टू विस्टैंड द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड स्ट्रेस. आयरन एंड स्टील प्रोसेस द प्रॉपर्टी स्टील. इट्स मीन द एनी टाइप ऑफ आइटम्स. कोई भी टाइप का कोई मेटल है, आयरन है, जिससे हमारे इक्विपमेंट बनता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर उस चलने की क्षमता कितनी है कि वो कितने समय तक वो एज इट इज़ बना रहेगा. जो भी एक एक फैक्टर है कि अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं की, अगर हमने इसके बारे में नहीं जाना तो वो कब और किस बेस पे कोरोजन हो सकता है, लग सकता है कोरोजन उस मेटल को या किसी भी प्रोडक्ट को कंटामिनेशन कर सकता है या उसे डिस्ट्रॉय करता है. तो ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ. नेक्स्ट हम चलते हैं मास. मास फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्पस ऑफ लाइट वेट पैकेज मेटेरियल आर यूज प्लास्टिक एल्यूमिनियम एंड पेपर पैकेजिंग मटेरियल आर यूज फॉर ए पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल. और मास को देखते हुए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेशन के लिए उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के हिसाब से हम कंटेनर यूज़ करते हैं जिससे कि आगे हमें कोई भी दिक्कत ना हो. वरना अगर हम उसके हिसाब से नहीं यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करेंगे तो वो कहाँ वहाँ पर क्या है फैक्टर हो जाएगा और उसको कोरोजन से डिस्ट्रॉय हो सकती है. इसमें डिफरेंट टाइप की हमारी वियर प्रॉपर्टी. वियर आर द पॉसिबल फैक्टर एंड बिटवीन टू सरफेस द सॉफ्टर सरफेस वाज ऑफ द मेटेरियल कंटामिनेशन प्रोडक्ट. तो ये इस टाइप की ये क्या है यूज़ करता है एक सरफेस कि हमारे जो मेटल है उसकी सरफेस कैसी है, रफ है या किस टाइप की है, उससे हमें बचा जा सके. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्मल कंडक्टिव. इन एवेपोरेटर ड्रायर स्टील एंड हीट एक्सचेंजर द मटेरियल्स एम्प्लॉयड हैव वेरी गुड थर्मल
conductive. In this case, iron, copper or graphite tubes are used for the effective heat transfer is the thermal conductive. It's mean कि कुछ ऐसे metal या metal material को pass through कराने के लिए या heat को transfer कराने के लिए हमें एक good quality के conductor यूज़ करने हैं, यानी कि हमारी हीट को ले जाने वाले या हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने वाले उसको जिसमें हमारे ये रेसिस्टेंट होते हैं, जैसे इन द केस ऑफ आयरन कॉपर ग्राफिक ट्यूब, इस प्रकार की हम इजीली अच्छी सी मेटल यूज़ करते हैं जिससे हमें फैक्टर फैक्टर से बचा जा सकते। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर क्लीनिंग। अगर हमने कोई भी प्रकार की फॉर्मुलेशन बना रहे हैं और वहाँ हमने एक अच्छे से क्लीनिंग नहीं की, तो एक क्लीनिंग की डस्ट जहाँ डस्ट पार्टिकल रह गए तो वो क्या है हमारी फॉर्मुलेशन को वो सारे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सारे डस्ट पार्टिकल उसमें मिलकर और उसको कॉन्टामिनेट करके उसको ख़राब कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि हमें क्लीनिंग साफ़ सफाई का बहुत ही हमें इसका यूज़ करना है और बहुत ही इसका सेफली हमें प्रोडक्ट को बनाना होगा, वरना ये एक फैक्टर है। सब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी प्रपोज हाउस कीपिंग इश्यू वेट इट कम्स टू ईजी ऑफ क्लीनिंग ए स्मूथ एंड प्लसिंग सरफेस मेक। इसका मीन्स है कि हमें क्लीनिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमें एक ऐसे इक्विपमेंट की यूज़ करने होंगे जो ईजीली या इसको ईजीली हाउस कीपिंग वगैरह इसको ईजीली क्या कर सकें, साफ और सफाई कर सकें। तो बेसिकली कोरोजन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। कोरोजन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ ए मेटेलिक मटेरियल विच इज सराउंडेड इन एनवायरमेंट कंपोनेंट्स विच इज कॉज मेटेरियलिक चेंज ऑफ टू मेटल एंड कैन रिजल्ट इन द फंक्शनल फेलियर ऑफ द मेटल कंपोनेंट। कोरोजन जो कि हमारे चारों तरफ किसी भी मेटल के चारों तरफ सराउंडिंग में होके और उसको धीरे धीरे क्या करता है उसे स्वेल कर देता है, उसकी लेयरों को उसके रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या वो मेटल डेस्टर होने लगता है। बेसिकली दीज आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन की कोरोजन आज बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ड्राई कोरोजन, सेकंड वन इज वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट अटैक टू गैस एंड वेपर ऑन द मेटेरियल थ्रू द केमिकल रिएक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइज लेयर इन फॉर्मड ओवर द सर्फेस। ड्राई कोरोजन वो होता है जो कि क्या डायरेक्ट गैस और वेपर के रूप में क्या करता है अटैक करता है और वो किसी भी मेटल या आयरन की सरफेस को क्या कर देता है अटैक चारों तरफ ऑक्सीडाइज एक लेयर बना देता है, जिससे क्या मेटल वहीं से रिमूव होने लगता है। सेकंड वन हम चलते हैं वेट कोरोजन। वेट इज द हाइग्रोस्कोप। दिस कोरोजन इन्वॉल्व प्ले इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका मीन्स क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड होता है दैट अकर व्हेन द मेटल इज एक्सपोज्ड टू वन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एल्कलाई। फॉर एग्जांपल जेड एन प्लस टू एस सी एल इक्वल टू टू जेड एन सी एल प्लस एच टू, यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिल के क्या बनाते हैं जिंक क्लोराइड बना देते हैं, इसकी में प्लस हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाता है, वही हमारा एक वेट कोरोजन बनता है। कोरोजन रिएक्शन बिटवीन मेटल एज ए नोन एज ए कोरोजन मेटल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो हम इसको हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ कोरोजन। ये अब जो हमारा कोरोजन है उसका फैक्टर्स हैं द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आयरन डिजोल्व रैपिडली इन एसिड पीएच, एल्यूमिनियम एंड जिंक डिजोल्व बोथ एसिड एंड एल्कलाइल पीएच। नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉट अफेक्टेड बाय पीएच। तो एक पीएच फैक्टर भी काम करता है कि कहीं अगर हाई पीएच है तो वहाँ पे जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट बनाए किसी भी आयरन से या मेटल से बनाए तो अगर कोई हाई पीएच की हम कोई सॉल्यूशन उसमें मिक्स कर रहे हैं तो उससे वो क्या अफेक्ट हो जाता है। कुछ अच्छी गुड क्वालिटी के आयरन होते हैं जिससे गुड क्वालिटी के मेटल्स होते हैं जिस पे किसी भी पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मे बी एसोलेट द कोरोजन ऑफ वन क्लास ऑफ मेटेरियल वेयर रिटर्ड अनदर क्लास. फॉर एग्जाम्पल ओ टू रिएक्ट विद द एच टू एंड फ्रॉम अ वाटर. जिसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी भी मेटल में या किसी भी एजेंट के, अगर ऑक्सीजन के और हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे ओ एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, जिससे क्या वो वेपर होके बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट वन हम चलते हैं वेलोसिटी. व्हेन ए कोरोसिव मीडियम मूव एट ए हाई वेलोसिटी अलोंग द मेटेरियल सरफेस द रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज. सरफेस फिल्म द थिन ऑक्सीडाइज फिल्म ऑन द सरफेस स्टीनलेस. दिस फिल्म एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन. And these are further type of corrosion. The corrosion when is just sub type of wet corrosion and dry corrosion. Next corrosion uniform localized and microscopic galvanic erosionic kerogen pitting explosion dialoging. एंड नेक्स्ट वन इंटीग्रुलर में है, स्ट्रिंस कोरोजन है, इंटीग्रुलर्स हैं, क्रैकिंग्स हैं, कोरोजन ऑफ फेस्टिंग. एंड दीज आर बेसिकली डिवाइड ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्दर जनरल कंसिडर लोकलाइजेशन मेटलिंग दीज आर क्लासीफाइज. सो दीज आर कंप्लीट ऑफ योर वाट अबाउट ऑफ कोरोजन एंड वाट इज द टाइप ऑफ कोरोजन, वाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन. तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आर अंडर स्टडी इन द यूनिट ऑफ फिफ्थ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. सो नेक्स्ट वन इज क्लास इज कंडक्ट टू नेक्स्ट रनिंग पीरियड. सो थैंक यू एवरीबडीज. वी आर डिस्कस द वट अबाउट द कोरोजन. तो आपको ये सारी समझ में आया होगा कि कोरोजन क्या होता है और हमको कोरोजन को कैसे हम बच सकते हैं या फिर हम किस क्वालिटी का गुड क्वालिटी का मेटल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके हम कोरोजन से बच सकते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी.